नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है, किसी भी घटना, कहानी, कथा या मिथक के पीछे छुपे वास्तविक लॉजिक को समझना, समाज पर उसके प्रभाव से आपको अवगत कराना और सत्य से साक्षात्कार कराना। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जो समाज में नई चेतना का संचार कर रही है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। यूं तो इंसान का जीवन स्वयं एक यात्रा है, मगर इस जीवन यात्रा में यदि कोई यात्रा समाज हित या विश्व कल्याण की मंगल कामना से हो तो वो नवजीवन का इतिहास लिख देती है। फिर चाहे वो दांडी यात्रा हो, सोमनाथ यात्रा हो या रथ यात्रा, इतिहास गवाह है कि इन यात्राओं ने समाज की दिशा और दशा दोनों बदली है। हालांकि इन यात्राओं के पीछे कहीं ना कहीं राजनैतिक या अन्य कारण हो सकते हैं, मगर आज हम जो यात्रा आपको दिखाने जा रहे हैं वो है तो एक राजनेता और प्रतापी राजवंश के ज्येष्ठ पुत्र और उनकी धर्मपत्नी की, मगर ये यात्रा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना से ओतप्रोत गैर राजनैतिक पद यात्रा है। दोस्तों, हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राघोगढ़ राजवंश के ज्येष्ठ पुत्र दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह जी की नर्मदा पूर्ण पैदल परिक्रमा यात्रा में, जो दिनांक 30 सितंबर विजयादशमी को नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से प्रारंभ हुई और मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र के नर्मदा तटों से होते हुए माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक फरवरी अंत में पहुंचेगी। वहां से पुनः बरमान आकर मार्च में ये यात्रा पूर्ण होगी। वर्तमान में ये यात्रा महाराष्ट्र और गुजरात का सफर कर मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में पहुंच चुकी है। लॉजिकल इंडिया की टीम ने इस यात्रा के मध्य पड़ाव में 2 दिन तक यात्रा की और जाना इस यात्रा के उद्देश्य, श्री दिग्विजय सिंह और श्रीमती अमृता सिंह जी एवं अन्य साथियों के अनुभव और यात्रा के राजनैतिक और सामाजिक प्रभाव को। तो आइए चलते हैं नर्मदा पूर्ण पैदल परिक्रमा की इस ऐतिहासिक यात्रा में। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा के तट पर लॉजिकल इंडिया में मैं विजय कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, नए नए विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपको नर्मदा तट पर लाए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह ने एक नर्मदा पूर्ण परिक्रमा यात्रा शुरू की। समुद्र तल से 3500 फुट ऊंचाई से मैकल पर्वत से माँ नर्मदा, जो अमरकंटक पर्वत के गोमुख से निकल कर के बहती हुई 1310 किलोमीटर का सफर तय करके खम्भात की खाड़ी में जाकर मिलती है। माँ नर्मदा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, ये निरंतर प्रवाहमान रहती हैं और कई सारे राज्यों को इससे जल प्रदाय होता है। जहाँ मैकल, भृगु और कपिल जैसे महर्षियों ने यहाँ पर तपस्या की और इस माँ नर्मदा की कृपा से कई जो संत यहाँ से माँ नर्मदा के तट से तपस्या करके उन्होंने समाज को नई दिशा दी, उन्होंने समाज को नया ज्ञान दिया। जहाँ माता अहिल्या ने अपने तन मन और धन के समर्पण भाव से माँ नर्मदा के मंदिर का पुनरुद्धार किया और माँ नर्मदा की सेवा की, वहीं माँ अहिल्या की नगरी और उनके आंचल में जन्मे, पले, बढ़े और पढ़े राघोगढ़ राजकुल के राजा बालभद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह आज नर्मदा पूर्ण परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं। हालांकि ये यात्रा पूर्णतः व्यक्तिगत और आध्यात्मिक चेतना के लिए है, मगर कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के पुनर्रक्षण की भावना भी इसके मूल में है। और इस यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, आइए हम चलते हैं इस यात्रा में, देखते हैं कैसे उनकी यात्रा का सफर तय होता है। जय श्री महाकाल, जय माँ नर्मदे।
पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा की ये जो पूर्ण परिक्रमा है जो अमरकंटक तक चलने वाली है, आज उसका 97वां दिन है। और जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि हम माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी बात करेंगे, तो सर लॉजिकल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ये जो यात्रा है उसके सिलसिले में हम ये पूरा दिन जो है आपका इस यात्रा को लेना चाहते हैं, उसी सिलसिले में मैंने आपसे अभी निवेदन किया था, तो हम चलते चलेंगे और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर। पहली बात तो ये है जी कि हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी बरमान घाट नरसिंहपुर से जी। तो अमरकंटक से बरमान घाट लौट कर ही हमारी यात्रा पूरी होगी जी। तो सर ये क्या इसका उद्देश्य है, ये यात्रा क्या मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब क्यों ये यात्रा? धर्म में लॉजिक पर कोई प्रश्न नहीं लगता, धर्म एक आस्था का प्रश्न है और इसी आस्था ने मुझे नर्मदा परिक्रमा करने के लिए प्रेरणा दी। सर 28 फरवरी 1947 को आपका जन्म हुआ जी, आज़ादी का वर्ष था, और आपका उस वर्ष के आज़ादी के वर्ष में जो पैदा होना है वो आपके लिए कैसा अनुभव था, आपको क्या लगता था कि ये आज़ादी और आपका साल कैसा आपको अनुभव था? देखिए मैं कब जन्म मेरा हो ना हो ये सब मेरे हाथ में तो था नहीं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जिन परिस्थितियों में मेरे माता पिता ने मुझे
संवारा, बड़ा किया, संस्कार डाले, वो सब किसी राजे रजवाड़े के नहीं डाले, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति के रूप में मुझे पाला पोसा, बड़ा किया और 4.5 साल की उम्र में मुझे पब्लिक स्कूल भेज दिया गया, जहाँ कोई न राजा था न रजवाड़ा था, सब लोग सामान्य रूप से रहते थे। राजनीति आपको सर विरासत में मिली और मात्र 20 से 22 साल की उम्र में आप महापौर बने और मात्र 30 वर्ष की आयु में आप विधायक से चुने गए थे, तो ये जो क्या अनुभव था, ये पढ़ाई खत्म करते ही इंजीनियरिंग का और सीधे राजनीति में, तो ये क्या सोशल इंजीनियरिंग की तरफ आप? नहीं, ऐसा था कि मैं जब मेरे अंतिम वर्ष में था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और क्योंकि मैं पिताजी का सबसे वरिष्ठ पुत्र था तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आई। मैंने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, मास्टर्स के लिए मैंने अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन भी दे दिया था। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाहता था, लेकिन फिर माँ ने कहा कि अब तुम वहाँ मत जाओ, यहीं रहो, हम देखो, तो रुक गया। तो फिर मैं जो कि कभी भी राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन में मैंने कभी राजनीति नहीं की, ना कोई चुनाव में भाग लिया, मैं जब वहाँ पर गया तो नगर पालिका के सर्वसम्मति से उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुन लिया, वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। यूं तो राजवंश से हैं तो राजनीति में पिता की जो भूमिका थी वो क्या थी, क्या अनुशासन था घर में, किस तरह का आपका बचपन बीता, कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें। कि कोई भी बालक 4.5 साल की उम्र के बाद तो उसकी यादें स्कूल की रह जाती हैं, बोर्डिंग स्कूल की रह जाती हैं। 12 महीने में से हम केवल 2-2.25 महीने घर पर आते थे, बाकी 9-10 महीने इंदौर शहर में बोर्डिंग में बिताते, शहर में जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो संस्कार स्कूल में डल जाते हैं और हॉस्टल में जो जीवन होता डल जाते हैं, तो वही संस्कार आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और मेरे पिता बहुत ही एक जीवट इंसान थे, तो उन्होंने जो सिखाया, जो उनके संस्कार हमें पढ़े, वो आज हैं। इंदौर शहर में ही दिल्ली कॉलेज में आपकी स्कूली शिक्षा हुई और GSITS में आपका इंजीनियरिंग पूरा हुआ और आपके जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा उसमें भी इंदौर से आपका बड़ा लगाव रहा और एक बहुत ही परम मित्र आपके राजनीतिक श्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर में ही रहते हैं, क्या आपका नाता है इंदौर से, कैसा लगता है आपको इंदौर? इंदौर मेरे लिए एक दूसरा निवास स्थान है, क्योंकि पहले 21 साल में से 17 साल मैंने इंदौर में बिताए, तो स्वाभाविक है कि मैं इंदौर को अपना दूसरा गृह नगर मानता हूँ। सर, रामायण में लक्ष्मण ने राम के साथ साथ वनवास काटा था, आपके लिए आपके छोटे भाई श्री लक्ष्मण सिंह जी ने अपना आसन त्यागा था और आप यहाँ तो मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे, क्या सुशोभित किया आपने मुख्यमंत्री पद को, क्या भूमिका रही आपके जीवन में एज ए भाई लक्ष्मण सिंह जी की और राजनीतिक जीवन में लक्ष्मण सिंह जी? मुझसे 8 साल छोटे हैं, लेकिन हम मित्र ज़्यादा हैं, भाई कम है, और मित्र का नाता ही हमने एक दूसरे के बीच में रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री बनने के पूर्व आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1985 से 88 तक अध्यक्ष रहे, बड़ा कठिन दौर था, इंदिरा जी का देहांत हुआ था, कांग्रेस के लिए भी बड़ा कठिन दौर था और आपके लिए भी वो बड़े ऐसे पल थे जिन्हें भूलना मुश्किल है, तो क्या उस समय आपका सोच थी और क्या आपकी भूमिका थी उस सब परिवार को संभालने? मेरा शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक जो कुछ भी मैंने पाया है, कांग्रेस ने मुझे दिया है और नेहरू गांधी परिवार ने मुझे दिया है, और अपार स्नेह प्रेम मिला है इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी का, और राहुल जी तो हमारे बालक समान हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही इज्जत मुझे दी है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि दो चीज़ें जिस पर मैं जीवन में कभी समझौता नहीं करूँगा, एक तो है कांग्रेस
की विचारधारा, गांधी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, और दूसरी मेरी प्रतिबद्धता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के परिवार के साथ मेरी प्रतिबद्धता, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। सर, राजीव जी के आग्रह पर आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला था, वो जो 10 सालों का अनुभव था 1993 से 2003 तक, वो कैसा सफर था? राजीव गांधी जी का तो उसमें इंतकाल हो गया था उस समय, लेकिन उन्होंने ही मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और उसी बुनियाद के आधार पर मैं मुख्यमंत्री बन पाया, तो इसलिए योगदान तो उनका रहा ही, लेकिन उनका आशीर्वाद भी मुझको था। सन 2003 को आप कैसे देखते हैं सर? आप जीवन साथी के बिछुड़ने का एक गम था, राजनीतिक भी जो है परिस्थितियां विषम थी और रानी साहिब का साथ छूटा था, तो क्या 2003 में तो आशा थी और मैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के ऐसे नतीजे आएंगे। खैर, जो भी है, जनता जो निर्णय करती स्वीकार हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रही है, सेवा महत्वपूर्ण रही है और उसके बाद मैं निरंतर सेवा में रहा, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के महामंत्री के रूप में सोनिया जी ने मुझे काम करने का अवसर दिया और मैं काम करता रहा। सर, 2004 से जो ये शुरू हुआ राजनीतिक संन्यास कहें या जो ये हम कहें, क्या सोशल इंजीनियरिंग के धुरंधर का यह वनवास माना जाए और ये उसको खत्म माना जाए कि ये एक वो परिक्रमा? ऐसा नहीं है। 2004 के बाद मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में मैंने आधे से ज़्यादा राज्यों का प्रभार संभाला और कई जगह जहाँ प्रभार नहीं था वहाँ चुनाव की जिम्मेदारी भी मुझे मिली। तो पहले जो मैं केवल मध्य प्रदेश तक सीमित था, मुझे देश की राजनीति, देश का मिजाज, अन्य प्रांतों का मिजाज समझने का अवसर भी मुझे मिला। अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को कैसे देखते हैं सर? क्या वहाँ के लोगों के लिए? उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनके प्रति तो आभार व्यक्त करूँगा और बड़ा प्रेम और सहयोग मिला है। सर, जहाँ समाज में प्यार को गुनाह माना जाता है और बड़ा छुपा के उसे इस तरह से किया जाता है, वहीं आपने पूरी सहजता, निडरता और साहस के साथ स्वीकार किया। कैसे इतनी आपने वो हिम्मत जुटाई? क्या सोच थी आपकी? क्या मतलब आपको कोई भय नहीं था राजनीतिक उस पर इफेक्ट आने का? सर, देखिए, मेरे लिए राजनीति कोई सत्ता का केवल माध्यम नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है और सेवा करने के लिए कोई ना पद की आवश्यकता है ना सत्ता की। जी सर, कई अपन चलते रहे, कई विवादित बयान भी रहे सर ऐसे, जहां सोशल मीडिया पर भी आपको काफ़ी ट्रोल किया गया, क्या लगता है आपको? ट्रोलर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रोल करते हैं क्या? ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। सर, कुछ समय पूर्व प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी एक नर्मदा यात्रा संरक्षण के लिए अभियान चलाया था और यात्रा की थी, क्या ये उसका एक काउंटर अटैक माने या क्या इसको क्या? नर्मदा परिक्रमा पैदल की जाती है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और कार और बसों से नहीं की जाती। पैदल यात्री आपके साथ अभी इस समय 250 यात्री चल रहे हैं जी, तो क्या ये लगातार पूरी परिक्रमा में आपके साथ हैं या ये क्रमबद्ध हैं? ऐसा है, लगभग 74 लोगों ने साथ शुरू की थी, उसमें फिर लोग कुछ और जुड़ते चले गए और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। अभी पहले तमिलनाडु के एक सीनियर एडवोकेट हैं जी, वो परिक्रमा कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े। आज कल से एक केरला के साधु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो जुड़ते चले जा रहे हैं। हमने किसी को ना आमंत्रित किया है ना किसी को मना किया है। क्या ये पूरी जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक चेतना की आपकी यात्रा है, जैसा अभी हम पिछले दिनों भी सुनते आए हैं और आपके जो वो आए हैं बयान, तो उससे पता चलता है पूरी तरह से पारिवारिक आध्यात्मिक यात्रा है, तो क्या इसका कहीं ना कहीं लाभ पार्टी को मिल रहा है, मिलेगा कहीं, ऐसा लगता है? ये तो पार्टी पर निर्भर करता है। मेरी यात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक है। सर, एक
जमाना था जब दलितों के लिए कोई बात नहीं होती थी समाज में, और एक हमारे यहाँ जो राजवंश की प्रथा थी, वहाँ आपने उस प्रथा को तोड़ते हुए राजवंश के राजा साहब कहलाने की जगह आपने, आपका संबोधन बड़े साहब के रूप में होने लगा, और दलित और वंचित समाज ने मुख्य धारा में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। क्या सोच थी उस समय? ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दलित वंचित वर्गों के, असहाय वर्गों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, और मेरे पारिवारिक रूप में भी मेरे पिताजी महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और उन्होंने वर्ष 40-41 में हमारे जो पारिवारिक मंदिर थे उनमें दलितों का, हरिजनों का, आदिवासियों का प्रवेश खोल दिया था और उन्हें पूरी छूट थी, तो इसलिए कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। अब मैंने भी वहाँ किले में जाकर देखा है, मैं भी अनुभव गया वहाँ राघव जी का भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर आपके उसमें हैं, और यूँ आपको जो है धार्मिक लोग जो हैं, जो हिंदू आदि लोग हैं, वो आपको बड़ा विरोधी आपके होते हैं, तो क्या ये आपका संतुलन है? इनका धर्म से कोई ना लेना देना नहीं है, वो लोग हैं जो कि धर्म का आडंबर रचते हैं और धर्म का राजनीतिक उपयोग करते हैं। धर्म एक आस्था का प्रश्न है और उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। 2019 को लेकर आप क्या सोचते हैं सर? 2019 में क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या मध्य प्रदेश में भी एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो इफेक्ट इस, इसके उसके उत्तर अभी नहीं दूंगा। आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? कुछ थोड़ा सा जो पार्टी तय करेगी, एक्टिव रहेंगे सर जो पार्टी तय करेगी। सर मोदी जी के बारे में क्या कहना? प्रधानमंत्री हैं, ये जो देश में माहौल बना हुआ है एकदम, आज ये सब बातें बाद में करेंगे। ये यात्रा पूरी तरह सर आध्यात्मिक है, और बाबा रामदेव जो हैं वो आपके आध्यात्मिक प्रतिद्वंदी रहे हैं एक तरह से। नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वो ना उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, व्यवसायिक है। आज जो उन्होंने इतना ये योग का और पतंजलि और ये किया है, तो हर आदमी अपना निर्णय लेता है और उसको अधिकार है। जो गुजरात चुनाव अभी हुए उसमें आपकी यात्रा गुजरात के अंदर वहाँ पहुँची थी, तो इसका कुछ प्रभाव वहाँ पे ये रहा कि शायद कांग्रेस को? नहीं, ऐसा मेरा इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। सभी वर्ग के लोगों, सभी राजनीतिक दलों ने मुझे सहयोग किया। और ये यात्रा जो आगे चल रही है सर अभी कितनी समय तक आगे चलने वाली है, कहाँ पे इसका मतलब? समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ बरमान घाट जिला नरसिंहपुर में ही समाप्त होगी। तो लगभग कितना? मार्च या अप्रैल तक, मार्च हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यूं ही सफर जारी है, माँ नर्मदा के तट पर माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ थे, वो हमें बता रहे थे कि क्या इस यात्रा का उद्देश्य, और जो हम चाहते थे कि हम उस पहलू को छुएं कि कहाँ वो सोचते हैं, तो अभी और भी हम बीच में बात करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा आगे हम फिर से एक बार पड़ाव पर बात करते हैं। नर्मदे हर माने ये आज की जो यात्रा, दूसरे दिन के पड़ाव में हम थे और आज शंकराचार्य जी इस यात्रा में भानपुरा पीठ से पधारे, तो आप
आपकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये आज क्या आपको उनके आने से पूर्णता की ओर लगती है कि क्या इसमें उस वजन है? उनकी कृपा है, मेहरबानी है, जो सारा कार्यक्रम छोड़ के मुझसे हम जंगलों में बीच में आए, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है, कृपा है। उन्होंने इसे एक रिटर्न गिफ्ट कहा तो ये कोई ऐसा नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया था उनके ऊपर, ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने ये बात कही। आपको कितनी और ऊर्जा इससे आज इस यात्रा में मिली? बीच पड़ाव में ये उनका है, 100वां दिन होने को नज़दीक है। निश्चित तौर पर जो इस प्रकार के जो समर्थन मिलता है उससे शांति भी होती है, ऊर्जा भी मिलती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और बीच में हम आपसे फिर भेंट करें। दोस्तों, लॉजिकल इंडिया का ये प्रयास है कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा के सही मर्म तक पहुंचें और इससे होने वाले परिवर्तन से आपको रूबरू कराएं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और समय समय पर देखते रहिए इस ऐतिहासिक यात्रा के पड़ाव। हम इसी तरह अन्य लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां नर्मदे, टेक केयर।